हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन इंग्लिश स्टडी। आई एम राजविंद निराला। नाउ आई एम गोइंग टू टीच एंड एक्सप्लेन BSEB पेनोरमा इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 10। द फर्स्ट चैप्टर आई हैव टेकन फ्रॉम द पोएट्री सेक्शन, द गॉड मेड द कंट्री। इट इज़ रिटन बाय विलियम कॉपर। लेट मी एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन हिंदी। It will be far better for the student to understand in Hindi. William Cowper, 1731-1800. William Cowper का जन्म 1731 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1800 ईस्वी में हुई थी। May be said to be given in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth. ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अपनी कविताओं में विलियम वर्ड्सवर्थ के जैसे ही घटना का पूर्वाभ्यास वो दिया करते थे। माने अपनी कविताओं में विलियम वर्ड्सवर्थ के जैसे ही विषय वस्तु को रखा करते थे। देयर इज इन हिज वर्क्स द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ। उनकी कृतियों में ग्राम्य जीवन के लिए गहरा सम्मान देखने को मिलता है, द कॉमन पीपल, सामान्य लोगों के लिए, एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप, और प्यारा शांत प्राकृतिक दृश्य के लिए भी समान देखने को मिलता है। लाइक वर्ड्सवर्थ, अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इश्यू ऑफ हिज टाइम। विलियम वर्ड्सवर्थ के जैसे वे भी अपने समकालीन समाज की समस्याओं को स्पष्ट रूप से अपने विचार में, अपने विचार द्वारा व्यक्त करने से झिझकते नहीं थे, हिचकिचाते नहीं थे। इट इज़ ए पैराडॉक्स दैट द पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट हु लिव्ड इन सिटीज और स्टेट कैपिटल्स हैव रिटन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ। यह एक विरोधाभास है, पैराडॉक्स विरोधाभास है, जो कवि और नाटककार जो शहर में रहते थे, राजधानी में रहते थे, देश की राजधानी में रहते थे, वे इतनी शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली तरीके से ग्राम्य जीवन की सुंदरता को लिखा करते थे, ग्राम्य जीवन की सुंदरता के बारे में लिखा करते थे। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स एंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशंस, सामान्य ग्रामीण लोगों की सादगी, साधारण व्यवसाय अर्थात पेशा से जुड़ा रहता है। गांव में रहने वाले लोगों का पेशा बहुत ही साधारण होता है, वे खेतीबाड़ी करते हैं, मवेशी पालते हैं और सादगी से जीवन व्यतीत करते हैं। दी एबंडेंस of natural life in flora and fauna and the fauna and the peaceful living they together make have always inspired poets to write on the life in the countryside. अब यहाँ क्या कर रहा है कि ग्रामीण जीवन में जिसकी प्रचुरता रहती है वो नेचुरल लाइफ की होती है, मतलब प्राकृतिक जीवन की होती है। प्राकृतिक रूप से वहाँ वनस्पतियाँ, फ्लोरा वनस्पतियाँ मिलती हैं, फौना जंतु मिलते हैं, और साथ साथ शांतिपूर्ण सभी जीव जंतु मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं, एक साथ एकजुट रह करके एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और यही सादगी हमारे कवि विलियम कॉपर को प्रेरित करता है, और इसी से प्रेरणा लेकर के उन्होंने कंट्रीसाइड, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में कविता लिखा है। कॉपर्स पोएम इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग।
कॉपर की जो कविताएं हैं, कॉपर की जो कविता है, इस तरह के लेखन के लिए उच्च कोटि की मानी जाती है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, इस कविता का जो पहला लाइन है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ईश्वर ने देश को बनाया है और मनुष्य ने शहर को बनाया है। ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड। यह ग्रामीण जीवन के निर्माण की सही सही अर्थ बताता है। एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, और शहर के विकास के बारे में बताता है। बीइंग क्रिएटेड इन ए नेचुरल वे, विलेजेस पोजेज ए परफेक्शन दैट टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव। अब यहाँ क्या कर रहा है कि बीइंग क्रिएटेड इन ए नेचुरल वे, ग्रामीण जीवन जो है वो प्राकृतिक तरीके से निर्माण हुआ है। विलेजेस पोजेस ए परफेक्शन, और गांव में जो प्रकृति का पूर्णता होती है, प्रकृति के जितने भी प्रकार के जो उपहार है जो गांव में देखने को मिलता है, वो शहर में, बड़े शहरों में देखने को नहीं मिलता है। अर्थात टाउन्स और सिटी में यह नहीं हो सकते। एड्रेसिंग टाउन ड्वेलर्स द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द वर्च्यूज ऑफ द रूरल लाइफ, शहर में रहने वाले लोगों को एड्रेस करते हुए, उन्हें संबोधन करते हुए पोएट उन्हें यह बताते हैं कि ग्रामीण जीवन, रूरल लाइफ की जो वर्च्यू है, सद्गुण है, गुण है, उनको उन्हें जानना चाहिए। एंड एग्जॉर्ट्स देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी एंड कंफर्ट टू द सिंपल बट एंडरिंग प्लेजर्स ऑफ ए विलेज। और वो कहते हैं कि शहरवासियों, ग्रामीण जीवन की जो सादगी है, सद्गुण है, वातावरण है, उन्हें आप देखिए और अपने इस शहर के विलासिता, आर्टिफिशियल लाइफ, लग्जरी, कृत्रिम विलासिता, कंफर्ट, आराम से बाहर निकलिए और उस सादगी में जाके शामिल हो जाइए। इसमें आपको जो आनंद मिलेगा गांव में, वो बहुत ही टिका रहेगा, अधिक समय तक बना रहेगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग पढ़ें गॉड मेड द कंट्री, यहाँ से पोएट्री का जो अर्थ है, सारांश है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ईश्वर ने देश को बनाया है और मनुष्य ने शहर को बनाया है। व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स, तो फिर देश, शहर और गांव, इन जगहों पर जो स्वास्थ्य की स्थिति है, गुण की स्थिति है और उपहार की स्थिति है, कैसी है, उस पर हम क्या विचार करें, क्या आश्चर्य करें। दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्राफ्ट, ईश्वर ने जो विकृत ढांचा था मानव आबादी या जीव जंतु के अस्तित्व से पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति में मनुष्य, ईश्वर ने अपने तरीके से एक एक जीव का निर्माण किया और फिर उसके बाद उसकी अस्तित्व को स्थायी बनाया और मधुर बनाया। दैट लाइफ होल्ड्स आउट ऑल शुड मोस्ट अबाउंड, और सभी जगहों, चाहे शहर हो, गांव हो, कहीं भी हो, इन सभी जगहों पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का जीवन का संचरण हुआ और उनसे यह प्रचुर हो गया, ये सभी जगह प्रचुर हो गए, भरपूर हो गए। एंड लिस्ट बी थ्रेटन इन द फील्ड्स एंड ग्रुप्स,
और साथ साथ खास तौर से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की जो स्थिति है, वे अपने आप को अपने खेतों में, उपवनों में अपने आप को कैद करके, सीमित करके रखते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं और आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। अब यहाँ से शहर वासियों के लिए कहा जा रहा है, पॉजेज ए देयर फोर ए हू बोन अबाउट इन चैरियट्स एंड सेडन नो नो फटीग, जो शहर में रहते हैं, जिनको विभिन्न प्रकार की सुख 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 सुविधाओं की व्यवस्था है, वे रथ की सवारी करते हैं, पालकी की सवारी करते हैं, बंद गाड़ी की सवारी करते हैं, विभिन्न प्रकार के वाहनों की सवारी करते हैं और थकावट महसूस नहीं करते हैं। बट दैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट नो सेंस, लेकिन ये सभी सवारी आलस्य की निशानी है और इसमें कोई भी प्राकृतिक स्वाद नहीं मिलता है। बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स पॉजेज ए स्टील, मनुष्य ने इस प्रकार की सुविधाओं को अपनी कला से, अपने गुण से उपाय निकाल करके अपने लिए व्यवस्थित कर लिया है, ये अभी भी उनके पास है। योर एलिमेंट देयर ओनली कैन ए शाइन, और इन सभी सुविधाओं से, इन सभी तत्वों से वे अपने आप को खुशहाल समझते हैं, अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं। वे समझते हैं शहरवासी, ये हम लोग बहुत ही सुखमय पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे जैसे आनंदमय जीवन और कहीं नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे क्या बताते हैं, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि शहर में और गांव में फर्क इतना है कि गांव के लोग जो साधारण होते हैं, वे मस्तिष्क से भी सरल होते हैं, वे किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि वे प्रकृति से जुड़े रहते हैं। आवर ग्रोव्स वेर प्लांटेड टू कंसोल एट नून। अब आगे बताते हैं गांव के बारे में कि हमारे जो वाटिकाएं हैं, उपवन हैं, या हमने जो पेड़ पौधे लगाया है, वे सभी हमें सांत्वना देने के लिए लगाए गए हैं। द पेंसिव वंडरर इन देयर शेड्स, उदास जो भटकने वाला राही है, पर्यटक है, चलते चलते जब थक जाते हैं, वे उन्हीं पेड़ों के छाया में बैठकर आराम करते हैं और उन्हें आनंद मिलता है। एट ईव द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स इज ऑल द लाइट दे विश। और संध्या के समय चंद्रमा की किरणें कोमलता से निद्रा में लीन पत्तियों के बीच से सने सने सरकती हुई आगे बढ़ती जाती है। ये सभी गांव के लोग ही इस तरह की कामना करते हैं। बर्ड्स वर्बलिंग ऑल द म्यूजिक, और गांव में विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएं चहचहाती हैं, गूंजती है। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, इसीलिए हम आपके शहर वासियों के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे वैभव शानदार जो रोशनियां हैं, उसे हम स्पेयर करते हैं, उसे हम हटाते हैं, क्योंकि दे बट एक्लिप्स आवर सॉफ्टर सैटेलाइट। क्योंकि हमारे पास
सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है जो चंद्रमा है, चंद्रमा है। लेकिन हमारे जो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जो हमें चांदनी रात में रोशनी बिखेर करके हमें आनंद देती है, तुम्हारे शहर का जो चकाचौंध है, डिजलिंग लाइट है, उसे धूमिल कर देता है और उसकी अहमियत को, उसके अस्तित्व को समाप्त करने जैसा आभास देता है। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आवर मोर हारमोनियस नोट्स, और शहर में जो शोरगुल होता है वो हमारे जो हारमोनियस नोट है, मतलब शांति, शांतमय जीवन है या शांतमय जो अवस्था है उसमें भ्रम पैदा करता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। द थ्रस्ट डिपार्ट्स, और शहर के शोरगुल के कारण ही शहर में जो गाने वाली चिड़िया हैं वो भी अन्यत्र प्रस्थान कर जाती है और उनका वहाँ अभाव हो जाता है। स्कैर्ड एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगल इज म्यूट, यहाँ तक कि जो नाइटिंगल है, बुलबुल है, शहर के शोरगुल से दुखी होकर के मौन है। इस तरह से विलियम कॉपर की कविता का यह अर्थ है। वैसे हम सारांश में अगर बात करें तो हम इसको ऐसे हम कह सकते हैं, गॉड मेड द कंट्री विलियम कॉपर द्वारा रचित एक सुंदर कविता है। कवि ने इस कविता में गांव एवं शहरों की तुलना की है। कवि कहता है कि गांव को भगवान ने बनाया है जबकि शहरों को इंसान ने। जो पूर्णता गांव में पाई जाती है वह शहरों में नहीं पाई जाती है, इसीलिए हमें बनावटी विलासिता के जीवन से अलग रहना चाहिए। रथ एवं पालकी की सवारी सुस्ती की पहचान होती है। हमें बगीचा में पेड़ लगाना चाहिए ताकि वह हमें छाया प्रदान करे। गांव में चिड़ियों की गायन एक मधुर संगीत का आनंद प्रदान करता है जिससे हम शहरों में वंचित रह जाते हैं। गांव में जो प्राकृतिक दृश्य है वह शहरों में प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार गांव की तुलना में शहर एक अभिशाप बनकर रह जाता है। शहर का शोरगुल, अशांत माहौल कष्टदायक है। गांव के अंधकार के लिए चंद्रमा का सुंदर प्रकाश है जबकि शहरों में बल्ब की रोशनी में हम चंद्रमा के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। शहर के अशांत माहौल में बुलबुल ने भी गाना बंद कर दिया है। तो फिर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आगे आप क्या उम्मीद करते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें।